घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? किस फिल्म से वापसी करेंगे अल्लू अर्जुन बड़ी स्क्रीन पर? किन बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं अभिनेता? क्या पकड़ा है केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील और अल्लू अर्जुन के बीच? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राथ स्टूडियोज में। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइस के निर्देशक सुकुमार अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ सुर्खियों में। फिल्म एक हिट फिल्म बन गई और इससे फिल्म को काफी फायदा भी हुआ। अभिनेता करंटली अपने बेस्ट फॉर्म में। हालिया ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म पुष्पा द राइस के बाद टॉलीवुड सनसनी अल्लू अर्जुन एक पैन इंडिया स्टार के रूप में उभरे, और अगर आप पुष्पा का आनंद लेते हैं तो यहाँ उनकी आने वाली फिल्मों की एक लिस्ट है जो प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेजेस में है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी फिल्में हैं। पुष्पा की सफलता के बाद अल्लू अर्जुन, जिन्हें प्यार से बनी भी कहा जाता है, कि अगली फिल्म सुकुमार की पुष्पा द रूल ही होगी। हाल ही में एक इंटरव्यू में सुकुमार ने कहा कि वो प्रोजेक्ट के अनुसार शूटिंग खत्म करने और दिसंबर 2022 में फिल्म रिलीज करने की उम्मीद करते हैं। नवीन यमनी और वाई रविशंकर जॉइंटली मत्तम सेट्टी मीडिया के कोलैबोरेशन से मैथ्री मूवी मेकर के तहत इस एक्शन थ्रिलर का निर्माण करेंगे। वहीं देवी श्री प्रसाद फिल्म का म्यूजिक देंगे। पुष्पा द रूल की शूटिंग पूरी होने के बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन अपनी बहुचर्चित फिल्म आइकन में अभिनय करेंगे। MCA और वकील साहब फेम वेणु श्रीराम फिल्म का नेतृत्व करेंगे। दिल राजू की आइकन का निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस करेगी, जो अल्लू अर्जुन के साथ उनका चौथा कोलैबोरेशन होगा। फिल्म की घोषणा 2019 में अभिनेता के 36वें जन्मदिन पर की गई थी। अल्लू अर्जुन कोरा ताला शिवा द्वारा निर्देशित एक बड़े बजट की एक अनटाइटल फिल्म में भी दिखेंगे। गौरव पारीख, मोनोजीत शील और अमन शर्मा को सपोर्टिंग रोल्स के लिए चुना गया है। सुधाकर मिक्की लिलेनी, सैंडी, स्वाति, नटी और युवा सुधा आर्ट्स के सहयोग से GA2 पिक्चर्स के तहत फिल्म का निर्माण करेंगे। फिल्म की घोषणा करते हुए अल्लू अर्जुन ने ट्वीट किया, कोरा ताला शिवा गुरु के साथ मेरी अगली फिल्म, #A821 की घोषणा करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कुछ समय से इसके लिए इंतजार कर रहा था। सुधाकर गुरु को उनके पहले प्रोजेक्ट के लिए मेरी शुभकामनाएं। सैंडी, स्वाति और नटी, ये आप लोगों के लिए अपने प्यार को दिखाने का मेरा एक तरीका है। वहीं गजनी फेम डायरेक्टर AR मुरुगा दास ने अपनी अगली फिल्म में अल्लू अर्जुन को डायरेक्ट करने की भी पॉसिबिलिटी जाहिर की। अल्लू अर्जुन और AR मुरुगा दास एक नई फिल्म के लिए कोलैबोरेट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिसके कलाई पुलिस थानू द्वारा निर्मित किया जाएगा। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। पहले एक इंटरव्यू में निर्माता ने कहा कि वो अल्लू अर्जुन के साथ एक फिल्म बनाएंगे, लेकिन निर्देशक के नाम का खुलासा करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने हिंट दी कि इसे एक प्रसिद्ध तमिल निर्देशक द्वारा निर्देशित किया जाएगा। साथ ही फिल्म अखंड की सफलता के साथ बोयापति श्रीनु टॉप पर है। अल्लू अर्जुन उनकी फिल्म में अभिनय करेंगे। दोनों ने पहले सर नौडू के लिए टीम बनाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को गीता आर्ट्स प्रोड्यूस करेगी। दूसरी ओर भले ही प्रशांत नील प्रभास की सलार में व्यस्त हैं, लेकिन उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में अफवाहें फैलती रहती हैं। पिछले कुछ समय में ऐसी खबरें आ रही हैं कि अल्लू अर्जुन निर्देशक प्रशांत नील के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नेटिजन्स पहले से ही उनके कोलैबोरेशन को लेकर एक्साइटेड हैं। देखना काफी दिलचस्प होगा कि पुष्पा द रूल के साथ इनमें से कौन सी फिल्में अल्लू अर्जुन को पॉपुलैरिटी के नए बादल पर बैठाती हैं। तब तक के लिए आप हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज देखते रहिए।